हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम घर में ही बहुत ही कम सामान से सिर्फ 5 मिनट में और बिना गैस जलाए मटका कुल्फी कैसे बनाएं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं मटका कुल्फी। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। ये मैंने मलाई ली है, एक बाउल मलाई ली है मैंने, फ्रेश मलाई। थोड़े से केसर को दूध में डाल के रखा है, पिसी हुई चीनी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और इलायची ली है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इसमें मलाई डाल देंगे। मलाई जो है बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, इसमें से कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। मलाई को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे क्योंकि फ्रिज में रखे होने के कारण ये थोड़ी सी टाइट हो जाती है। और ये मैंने केसर वाला दूध लिया है, ये आधा कप दूध में मैंने थोड़ा सा केसर डाल के रखा हुआ था। इसको डाल देंगे इसमें मलाई में, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको मन है तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर दें। केसर वाला दूध डाल के मलाई को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 3 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी को जो है मिक्सी में पीस कर ही लेना है, इससे वो जल्दी घुल जाती है मलाई में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको घुलने में। और अब इसमें डाल देंगे इलायची। ये मैंने 4 इलायची को छील के उनका बीज निकाल के उसको क्रश करके डाला है, और थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स काजू पिस्ता और बादाम लिए हैं, उनको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। और ड्राई फ्रूट्स जो हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और ये देखिए बहुत ही अच्छा कुल्फी का जो बैटर है ये रेडी हो गया है। अब हम इसको सेट करेंगे। सेट करने के लिए मैंने जो है ये कुल्हड़, जो हमारे घर में ही होता है किचन में, चाय वाले कुल्हड़ होते हैं, मैं इनको इसी में सेट करूँगी। और थोड़ा सा जो है मैं वो चाय वाले जो पेपर के ग्लास होते हैं ये 2 ग्लास में सेट करूँगी। और ये देखिए मैंने दोनों ग्लास को फिल कर लिया है। और अब हम इस पे जो है ये फॉइल पेपर लगा देंगे, इससे जो हम कुल्फी बनाएंगे उस पे जो है वो आइसी जम जाती है ना, तो उससे टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो फॉइल पेपर लगाने से वो आइस नहीं जमती, तो इन तीनों पे फॉइल पेपर लगा देंगे। और अब इन पे हम लगा देंगे रबर बैंड ताकि ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। और अब हम इनको डीप फ्रीज़र में हम इनको रख देंगे 8 घंटे सेट होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए।
और फ्रिज में रखने से पहले ये जो पेपर वाले गिलास है ना, इन पे मैं, मेरे पास ये आइसक्रीम स्टिक रखी हुई थी तो ये भी लगा देंगे, थोड़ा सा फॉइल पेपर को कट करके उसमें ये आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। और अब इनको हम फ्रीजर में रख देंगे। और ये देखिए मैंने 8 घंटे बाद इनको फ्रीजर से निकाला है, और अब देखते हैं ये कितनी कैसी जमी है, एक बार इनको खोल के देखेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये मटका कुल्फी जमी है, बिल्कुल मार्केट जैसी। और ये ग्लास पे मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ पेपर वाले। और ये देखिए कितनी अच्छी ये मटका कुल्फी बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी। और अब जो है ये जो पेपर वाले गिलास है, इनको हमें एक गिलास को अलग करना है, तो उसके लिए हम सीजर से एक गिलास को थोड़ा सा कट कर लेंगे साइड से, इससे बहुत ही आसानी से निकल जाती है ये कुल्फी। और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी ये मटका कुल्फी बनी है, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। अब मैं इसको भी अलग कर लेती हूँ ऊपर के ग्लास को। और ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छी जमी है, केसर वाला जो कलर है वो भी आ गया है इसमें नीचे। केसर जो है थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है कभी कभी, तो अभी यहाँ पे मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छे से सेट हुई है, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती जल्दी। और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी ये मटका कुल्फी बनी है, तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए एक बार ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद।